सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि अभी सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और बच्चों को प्रमोशन देने का डिसीजन लिया है। अभी बच्चों को मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हमें मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। तो देखो, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग एक्चुअल में अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि आज सीबीएसई ने डिसीजन दिया है तो एक्चुअल में अभी तक डिसीजन का जो सही मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सही मतलब किसी भी टीचर को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहा है। ठीक है, सीबीएसई अभी सर्कुलर जारी करेगा प्रॉपरली, उसमें बताएगा कि आपको नंबर कैसे मिलेगी। अभी मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपके जो मार्क्स है वो इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे लगेगी, मतलब जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, जो प्री बोर्ड हो गए, जो आपके एफए हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हो गए थे अभी, उन सभी को एवरेज करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बताया कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव का क्या फंडा, ऑब्जेक्टिव मार्क्स किस तरीके मिलेगी, इसका प्रॉपरली फंडा नहीं बताया। और यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियोज मिल जाएगी कि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स आपको ऐसे मिलेगी ऐसे मिलेगी, लेकिन एक्चुअल आप थोड़ा सा वेट करो, दो दिन का वेट करो, सीबीएसई ऑफिशियली जो सर्कुलर है वो जारी करके आपको समझा देगा कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के नंबर मिलने वाले क्लास 10th के बच्चों को। जैसे ही कुछ सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली कुछ पता लगेगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी आप सभी के लिए समझना, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मार्क्स है क्लास 10th के बच्चों की वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मिलेगी, जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह का मार्क है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगी। आपके बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन आपको जो मार्क्स है वो इस तरीके से मिलेंगे। सीबीएसई जैसे कोई ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपडेट देती है या फिर कोई सर्कुलर जारी करती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो।